रामचरितमानसाय नमः। ओम श्री रामचरितमानस नमः। वाणानां सन्धानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकः। अक्षरों समूह रसो छंदो और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे सद्दा विश्वासरूपिणः। याव्या विनान पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तः स्थिरेश्वरं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। और आज जैसा कि मंगलवार का दिन है, हम श्री हनुमान जी के बिना तो रामचरितमानस सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशिद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। श्री राम सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। बालकांड हम पढ़ रहे हैं, श्री रामचरितमानस बालकांड आज का प्रसंग है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनगुन भेद समुझह साधु। देखाई रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कम और बेसी कर सुनना साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुजद सुखद न पारति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की विशेषता की कथा कथनी है, वो समझने में सुखदायक, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का निर्गुण और सगुण का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है कौन, नाम और रूप। जय श्री राम। तो दोहा आता है कि राम नाम मणि दीप धर, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जौ चाहसी उजिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जप जाग ही जोगी, बिरति बिरांची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अवन भाव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भलीभांत छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय
अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेउ नाम जी जपहि जानहि तेउ साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्ध निमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं जिज्ञासु भी नाम को जीप से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। आप सभी लोग रामचरित गाए राम कथा कहें। कहा गया है गौरीपते नभास्तु में आगच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणियो मध्य तिष्ठ पूजाम गृहाण में श्री लक्ष्मण नमस्तु व्याम आगच्छ सह प्रिय याम्य भागे समातिष्ठाम पूजनम संगृहाण में श्री शत्रुघ्नम नमस्तु व्यामिहागच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरोद्व मे। श्री हनुमनामास्तु मच्छामिहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। हनुमान जी की हम जब वंदना करते हैं शुरुआत करते हैं जब हम बालकांड और श्री रामचरित मानस की। कहा गया है सुवर्ण रचितम राम दिव्या शरण शोभितम आसनाम ही मया दत्तम गृहाण मय चेत्रितम। आप लोग भी अपने घर में राम दरबार लगाकर श्री रामचरित मानस का इस तरीके से आप जब आचनम्यम करेंगे तो आचनम्यम मंत्र जो होगा कि श्री सीता रामाभ्याम नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः इति मंत्रयते नम आचनम कुर्यातः। अस्त्र आचमन करेंगे श्री युगला बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। मामावलोक पंकजलोचन कृपा विलोकिनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम कामरि हृदय कन्य मकरन्द मधुपहर जादुधान बरूद बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अदगंजन भूसुर शशी नव वृंद वाहक असरन सरन दीप जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराद बद पंडित रावणारिश कुरूप भूपधर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कुशला मंडन कलिमल मदन नाम मत ताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रतन जन। इस तरीके से शुरुआत हम श्री रामचरित मानस की करते हैं और सभी देवताओं के ध्यान और आवाहन भी। तब मुनि अति सभी हर चरना गहे पाही प्रणतारति हरना। प्रभु के चरणों में आशीर्वाद लेकर इस तरीके से हम प्रारंभ करते हैं। हम बाल कांड का वाचन कर रहे हैं। हम इस तरीके से कहते जाएंगे और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री प्रभु राम आएंगे। जापहु नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होइ सुखारी राम भगत जर चार प्रकारा सुकृति चार युव अनग उदारा। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं
उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वह सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के बातों की कहा गया है, अर्थार्थी, धन की चाह से भजने वाले, आर्थ, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, ये राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार। श्री राम दरबार के चरणों में सत सत नमन करते हैं। चाउ चतुर कहु नाम धारा, ज्ञान ही प्रभाव विशेष पियारा, चाउ जुग चाउ सुति नाम प्रभाव।